नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से आपको राजस्थान मौसम विभाग की एकदम सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पुरानी वीडियोज़ में आपको पहले ही बोल दिया था कि आगामी 18 और 19 जुलाई को राजस्थान के पूर्वी भागों में अच्छी खासी बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मिजाज मौसम का पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी ज़िलों में देखने को मिल रहा है। कुछ ज़िले पूर्वी राजस्थान के ऐसे हैं जहां पर दिन भर उमस का दौर देखने को मिला, लेकिन देर रात तक इन ज़िलों में भी झमाझम बारिश हुई। दोस्तों चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से किन किन ज़िलों में भारी बारिश देखने को मिली और दोस्तों किन किन ज़िलों में हल्के से मध्य बारिश देखने को मिली। साथ ही दोस्तों इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी कितने दिनों बाद भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। अभी भी दोस्तों पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िले ऐसे बचे हुए हैं जहां पर उमस का कहर तो देखने को मिला, लेकिन दोस्तों यहां पर अभी भी भारी बारिश नहीं हुई। उन सभी दोस्तों को मैं बता दूँ कि आगामी 24 घंटों में इन ज़िलों में भी आपको भारी बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में येलो अलर्ट जारी है। येलो अलर्ट जारी होने के कारण पश्चिमी राजस्थान के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर आपको बादलों की आवाजाही तो देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों उन बादलों से कुछ ही स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। दोस्तों आगे चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाला गया पल पल का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दोस्तों इस चैनल से जो भी आपको न्यूज़ दी जाती है वह भारतीय मौसम विभाग की ऑफिशियल साइट और दोस्तों राजस्थान मौसम केंद्र जयपुर के अकॉर्डिंग संपूर्ण न्यूज़ हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं बीते 24 घंटों में राजस्थान में कहाँ कहाँ पर भारी बारिश देखने को मिली और दोस्तों सबसे ज़्यादा बारिश राजस्थान के किस स्थान पर देखने को मिली। बात कर लेते हैं दोस्तों 12 ज़िले की, तो 12 ज़िले में रिमझिम बारिश का दौर बना रहा। और दोस्तों शाहबाद की बात करें तो यहां पर 7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दोस्तों अगर बौली सवाई माधोपुर की बात करें तो यहां पर भी जमकर मेघ बरसे। और दोस्तों यहां पर बात करें तो दोस्तों तहसील मुख्यालय पर 80 mm बारिश दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं सीकर की, तो सीकर में भी दोस्तों झमाझम बारिश का दौर बना रहा और दोस्तों यहाँ पर कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश भी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में भी दिन भर गर्मी का माहौल बना रहा और दोस्तों यहां पर उमस भी देखने को मिली, लेकिन दोस्तों यहां पर अचानक मौसम में परिवर्तन के कारण देर शाम तक यहां पर भी अच्छी खासी बारिश हुई। और दोस्तों जयपुर राजधानी की बात करें तो दोस्तों 22 गोदाम, सिविल लाइन, टोंक रोड, JLN मार्ग, मानसरोवर, सांगानेर, वैशाली नगर सहित कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं झुंझुनू ज़िले की, तो झुंझुनू ज़िले में दोस्तों दिन भर यहां पर भी रिमझिम बारिश का दौर बना रहा। बात करते हैं दोस्तों झुंझुनू के खेतड़ी और दोस्तों पचेरी बुहाना, यहां पर भी दोस्तों अच्छी खासी बारिश देखने को मिली। अब दोस्तों चर्चा करेंगे थोड़ी विस्तार से। राजस्थान में मानसून की बरसात का असर अधिकतम ज़िलों में हो रहा है। बीते 24 घंटों में भरतपुर के कामा, दौसा, जयपुर सहित कई ज़िलों में जमकर बादल बरसे। बरसात से आमजन को गर्मी और उमस में राहत मिली, वहीं निचले इलाकों में भी पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार राजधानी जयपुर व भरतपुर संभाग के ज़िलों में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावनाएँ जताई जा रही हैं। राज्य के अधिकतर जिलों का तापमान बात करें तो दोस्तों यहां पर भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते मौसम ने ठंडक का एहसास भी करा दिया। राजस्थान में मानसून की बरसात ने दिलाई गर्मी से राहत, जयपुर भरतपुर सहित कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों अगर बात करें कहां कहां पर कितनी सबसे ज़्यादा बारिश कहां कहां पर हुई, तो पिछले 24 घंटों में भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा और दौसा ज़िले में कहीं कहीं पर भारी बारिश देखने को मिली। कामा भरतपुर में 90 mm बारिश, खातौली कोटा में 80 mm, बौली सवाईमाधोपुर में 80 mm और दोस्तों महुआ दौसा में 75 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं दोस्तों अगर आगामी 24 से 48 घंटों की बात करें तो मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 24 से 48 घंटों में मेघ गर्जना के साथ बारिश होने और कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना है। आगामी 4 दिनों तक बरसात की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 19 जुलाई को पूर्व राजस्थान में मानसून की बरसात होने की भी संभावना बताई है। इसके साथ ही दोस्तों बीकानेर एवं जोधपुर संभाग में भी भारी बरसात होने की भी संभावना फिलहाल बनी हुई है। अब दोस्तों आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आगामी 24 घंटों की,
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 20 जुलाई, 21 जुलाई और 22 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान की। दोस्तों यहां पर भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की स्थिति को किस प्रकार से दर्शाया गया है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर 19 जुलाई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर दोस्तों ऑरेंज अलर्ट जारी है और पश्चिमी राजस्थान में येलो अलर्ट जारी है। दोस्तों पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में आपको भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, यानी कि आगामी 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं जयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और दोस्तों अजमेर, राजसमंद भी इसमें शामिल हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में भी आपको कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल अभी कोई बारिश, भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों यहां पर अचानक मौसम में बदलाव के कारण कुछ जिलों में छिटपुट बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं यहां पर 20 जुलाई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति की देखें तो दोस्तों राजस्थान में ग्रीन अलर्ट जारी है। ग्रीन अलर्ट जारी होने के कारण दोस्तों राजस्थान के सिर्फ इन्हीं जिलों में अब आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दोस्तों जयपुर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इसी के साथ दोस्तों उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर का जो ये हिस्सा है, दोस्तों इन्हीं जिलों में आपको अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगर शेष राजस्थान के जिलों की बात करें तो शेष राजस्थान में लगभग मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पश्चिमी राजस्थान के संपूर्ण जिलों में आपको भारी बारिश कितनी दिनों में देखने को मिल सकती है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर 21 जुलाई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें तो दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में ग्रीन अलर्ट जारी है। ग्रीन अलर्ट जारी होने के कारण दोस्तों यहाँ पर मौसम में थोड़ा आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा और दोस्तों राजस्थान के लगभग संपूर्ण जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसके बाद कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और दोस्तों अगर बात करें यहां पर जालौर और सिरोही, इन जिलों में आपको कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल देखने को अवश्य मिल सकते हैं। 22 जुलाई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो दोस्तों अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में ग्रीन अलर्ट जारी है। ग्रीन अलर्ट जारी होने के कारण राजस्थान के किसी भी भाग में आपको भारी बारिश नहीं देखने को मिल सकती। दोस्तों अगर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर आपको हल्के फुल्के बादलों के साथ छुटपुट बारिश की भी संभावना बनी हुई है, तो दोस्तों इन जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती के ये जिले और दोस्तों उदयपुर संभाग के कुछ जिले इसमें शामिल हैं। बाकी शेष राजस्थान की बात करें तो शेष राजस्थान में लगभग मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों आगे भी राजस्थान के मौसम की स्थिति में जैसे ही कोई बदलाव आएगा या दोस्तों मानसून की स्थिति में कोई अचानक से परिवर्तन होगा तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे।